10 नवंबर को होगी रणबीर दीपिका की शादी। बेंगलुरु या इटली में हो सकती है सेरेमनी। दीपिका पादुकोण और रणबीर सिंह की शादी की तारीख फाइनल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से इस साल 10 नवंबर को उनकी शादी होगी। इससे पहले ये शादी 19 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से 9 दिन प्रीपोन कर दी गई है। दोनों परिवार इस तारीख पर मान गए। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि रणबीर और दीपिका का रोका इसी साल जनवरी में हो चुका है। रिपोर्टर्स के हिसाब से कपल का रोका दीपिका पादुकोण के जन्मदिन यानी 5 जनवरी को हुआ। तब दोनों परिवारों के साथ मालदीव में ये लोग वेकेशन मना रहे थे। दोनों ही परिवारों में शादी को लेकर काफी पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रही बात वेडिंग वेन्यू की, तो पहले खबरें थी कि रणबीर दीपिका उदयपुर में शादी करेंगे, लेकिन अब चर्चा है कि ये शादी बेंगलुरु या फिर इटली में होगी। इसके बाद फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए मुंबई में रिसेप्शन होस्ट किया जाएगा। दीपिका की शादी इसी साल होगी। इसके संकेत इससे भी मिलते हैं कि दीपिका और रणबीर दोनों अपने स्टाफ की 3 महीने की छुट्टी कैंसिल कर चुके हैं। इतना ही नहीं, चर्चा ये भी है कि शादी को देखते हुए रणबीर सिंह रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बन रही अपकमिंग फिल्म सिम्बा की शूटिंग जल्दी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में रोहित शेट्टी को बता चुके हैं। रणबीर फिलहाल कोई नया असाइनमेंट हाथ में नहीं ले रहे, ताकि शादी को अच्छे से एंजॉय करें। वहीं दीपिका ने पद्मावत के बाद अब तक कोई नई फिल्म साइन नहीं की है। हालांकि पद्मावत के बाद दीपिका ने विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन में बन रही गैंगस्टर ड्रामा मूवी साइन की थी, लेकिन वो को-स्टार इरफान खान की तबीयत बिगड़ने की वजह से शूट नहीं हो पा रही। ऐसे में माना जा रहा है कि दीपिका भी अक्टूबर से दिसंबर के बीच डेट्स फ्री रखना चाहती हैं। हो सकता है कि वो नवंबर में शादी कर लें।